दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एड एक्सचेंज के एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, वी आर अपग्रेडिंग ई केवाईसी सिस्टम यूजिंग आधार ओटीपी। प्लीज़ वेट हाइल वी आर अपग्रेडिंग दिस सिस्टम, दिस विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 5 वर्किंग डेज। यानी कि जो है एक बहुत बड़ी अपडेट किया गया है यहाँ पे ई केवाईसी से रिलेटेड। दोस्तों कैसे आप लोग को ई केवाईसी करना, एंड मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि ई केवाईसी आप लोग करना ज़रूरी है या फिर नहीं, अगर करना है तो कैसे करना है, अगर करना है तो कब करना है, सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एंड आप लोग को मैं ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप लोग का जो एड एक्सचेंज में जो पैसा है पेंडिंग है विड्रॉल में, तो वो कब आप लोग का बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। एंड अगर आप लोग का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है तो किस तरीके से आप लोग को विड्रॉल करना, सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आप को बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत ही मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चले गए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा कर मैं ऐड कर देना, क्योंकि जैसे एड एक्सचेंज से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को भी जो है एड एक्सचेंज में ई केवाईसी करना है, जैसे कि वी आर अपग्रेडिंग ई केवाईसी सिस्टम यूजिंग आधार ओटीपी, प्लीज वेट वेल आर अपग्रेडिंग द सिस्टम दिस विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 5 वर्किंग डेज। यानी कि जो ई केवाईसी का ऑप्शन है 3 से 5 दिन के अंदर आप लोग को एड एक्सचेंज में दिखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, यहाँ पे जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ दिस विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 5 वर्किंग डेज, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है 3 से 5 दिन के अंदर जो है ये फ्यूचर हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो आप लोग को वेट करना है ई केवाईसी के लिए। अगर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ई केवाईसी करने के बाद आप लोग का पैसा जो है वो आप लोग को जो है विड्रॉल होगा कि नहीं, तो गाइस ये ई केवाईसी के बाद आप लोग का जो विड्रॉल का अमाउंट है सारा क्लियर हो जाएगा एंड आप लोग का जो विड्रॉल है सब कुछ हो जाएगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, सिंपली आप लोग को वेट करना है, जैसे कि 3 से 5 दिन ई केवाईसी का, उसके बाद आप लोग को ई केवाईसी कर लेना है। अगर आप लोग को ई केवाईसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं जैसे ही ई केवाईसी का फ्यूचर आ जाएगा तो मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।